अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 जून 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पेपर का इंतजार सभी बच्चे बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं कि कब से हमारा पेपर शुरू होगा। और दोस्तों 99% उम्मीद है कि पेपर हमारा इसी महीने होगा। तो अब किसी भी दिन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की नोटिस आ सकती है, एकदम तैयार रहिए। UPTET में कब से शुरू होगा आवेदन? ठीक है, CTET में ऑनलाइन करेक्शन कैसे करना, सवाल ये आ रहा था, लेकिन अब आपको बता दें ऑनलाइन करेक्शन हमारा कम्प्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इंतजार होगा CTET में तो सिर्फ एडमिट कार्ड का। एक और बड़ी खबर, राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का मॉडल ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। तो मतलब अभी यहाँ पर आपको और इंतजार करना पड़ेगा। DLED में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2197 बच्चे आवेदन भी कर चुके हैं, ठीक है, तो नए बच्चे भी आवेदन कर रहे हैं स्लोली। उसके बाद देख सकते हैं कोच काट कर सब निकाले गए, 288 लोगों की जान चली गई। बालासोर रेल हादसा, सिग्नल में गड़बड़ी हो सकती है दुर्घटना की वजह, रेलवे सेना का बचाव अभियान पूरा हुआ। दिल्ली में 26,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। तो दोस्तों दिल्ली में 26,000, कुछ ही दिन पहले अपडेट भी आपने देखा कि बिहार में हमारी कितने पदों पर आ रही वैकेंसी, 80,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती है। तो मतलब अब वैकेंसी का दौर शुरू हो चुका है, ठीक है, जहां पर भी आपको मौका मिले वहीं पर फॉर्म डालकर आपको नौकरी लेनी है। अब ये नहीं देखना कि दिल्ली में नौकरी मिल रही कि कहां मिल रही है। प्रथम सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट एक बार इसको जरा ध्यान से देखेंगे जो बच्चे नए। एक बात और आपको बता दें, जिन बच्चों की बैग 2021 बैच में फर्स्ट सेमेस्टर में लगी थी तो उनको भी मौका मिलेगा अपना बैग क्लियर करने का, ठीक है। तो पहले दिन आपका पेपर होगा बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का, दो पेपर होगा पहले दिन। दूसरे दिन विज्ञान गणित और सामाजिक अध्ययन का पेपर देंगे। तीसरे दिन हिंदी संस्कृत और कंप्यूटर का देंगे। एक बात और आपको बता दें, बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर 50-50 अंकों का होगा, ठीक है। उसके बाद सामाजिक अध्ययन का पेपर 50 अंकों का होगा। बाकी सभी विषय का पेपर, विज्ञान का 25, गणित का 25, हिंदी का 25, संस्कृत का 25 और कंप्यूटर का भी 25-25 अंक। 50 में से आपको पास होने के लिए लाना पड़ता है 25 नंबर और 25 में से पास होने के लिए लाना पड़ता है 12 नंबर। एक तरह से देखिए 25 में थोड़ा सा पासिंग मार्क बढ़िया रहता है, 50 में तो बिल्कुल 50% ही, उससे कम तो नहीं है। तो सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट भी उम्मीद करेंगे कि 2-3 सेमेस्टर का पेपर करा लिया जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे प्रत्यावेदन वाले उस समय बच गए थे, मामला कोर्ट में चला गया, बच्चे आवेदन कर नहीं पाए। और अगर ऐसे ही लेट लतीफी होगी तो नई शिक्षक भर्ती में भी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो नया शिक्षक भर्ती का प्रोसेस है हमारा, इसमें भी दिक्कत आ जाएगी। तो उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर देखने को ना मिले। अगली खबर फिर आती है तृतीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट को लेकर। शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार समावेशी शिक्षा, पहले दिन आपका दो पेपर होगा। दूसरे दिन आपका विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन का पेपर। तीसरे दिन हिंदी संस्कृत और कंप्यूटर का। 1, 2, 3 दिन में आप लोग का पेपर कंप्लीट होगा। तो UPTET का ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, 4 जून दिन रविवार तक की अपडेट है, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद दोस्तों अगली खबर आती है CTET की वेबसाइट को लेकर। ये है ऑफिशियल वेबसाइट CTET की, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी वो भी हम देखते रहेंगे। तो चलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा पेपर की, लापरवाही नहीं करना है, जो भी अपडेट आएगी हम पहुँचाते रहेंगे। पहले इस अपडेट को देखते हैं। दिल्ली में 26,000 से अधिक शिक्षकों की जल्द होगी भर्ती। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को अपने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। जस्टिस मनवीर प्रीतम सिंह अरोड़ा ने हर साल शिक्षकों के खाली पदों की संख्या शून्य करने के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के लिए दाखिल अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया है। गैर सरकारी संगठन सोशल, ठीक है, जूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। दिल्ली सरकार नगर निगम के अधिवक्ता ने कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार के अधिवक्ता अवनीत अहलावत ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 20,557 शिक्षकों के पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आग्रह पत्र भेजने की प्रक्रिया चल रही है। नगर निगम के अधिवक्ता ने बताया कि उसके स्कूलों में 5,750 पद खाली हैं। तो देखिए जो भी अपडेट होना, ध्यान रखिए
एक साथ आयोजित की जाएगी संयुक्त परीक्षा, तो तैयारी में रखी रहिए आप लोग। देखिए बिहार में जो वैकेंसी आ रही है ना शिक्षकों की, इतनी बड़ी वैकेंसी है, लेकिन बिहार के बाहर के बच्चों को मौका उम्मीद है कि नहीं दिया जाएगा। वो मौका इसलिए नहीं दे रहे हैं ना कि यूपी में भी तो वैकेंसी आनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, ठीक है, हम लोग बिहार की वजह नौकरी करने, एक बार ये भी आपको सोचना चाहिए कि यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है। 2018 के बाद हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं है, 2019 में दोस्तों कोई वैकेंसी नहीं, 2020 में कोई वैकेंसी नहीं, 2021 में भी नहीं, 2022 में भी नहीं, 2023 चल रहा है, 5 साल दोस्तों हो रहा है वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि चलो बिहार वाले मौका दें। अरे यार अपनी सरकार को भी तो मौका देना चाहिए कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर 5 किलो राशन की लाइन में लगेंगे, नौकरी भी लेना है ना 50,000 वाले, ठीक है, एक बार नौकरी ले लेंगे जितना 5-5 किलो का ना, पता नहीं कितने साल का राशन आपकी एक सैलरी का है। अगली खबर देखिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2023 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को आवेदन के दूसरे दिन तक 2,197 आवेदन हुए, जिसमें से 1,041 ने फाइनली आवेदन किया है। तो देखिए दोस्तों जो बच्चे साइबर कैफे दर दर जाते हैं ना, वो फाइनल प्रिंट सब कुछ करा लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे डेमो के लिए करते रहते हैं, ठीक है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 27 जून तक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। कहा है कि अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिए गए दिशा निर्देशों को भली भांति पढ़कर ही आवेदन करें, आवेदन में कोई त्रुटि होने पर सुधार का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। ये दोस्तों बड़ी खबर रहती है ना। देखिए अब क्या है कि जिन बच्चों का फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं है, ठीक है, अब वो बच्चे फॉर्म डालेंगे नहीं, क्यों नहीं डालेंगे, बाद में सुधार का मौका है, तो ये सब दिक्कत है। और सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट पेज पर ही हमें, ठीक है, फर्स्ट पेज पर ही हमें अपना ग्रेजुएशन का नंबर शो करना पड़ता है, तो ये बड़ी दिक्कत है। अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप तैयार हो गया है। 12 सदस्यीय कमेटी ने शिक्षक भर्ती का प्रारूप बनाकर शासन को सौंप दिया है। तैयार प्रारूप की भाषाई अशुद्धियां दूर करने का काम चल रहा है, वह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री के सामने से प्रस्तुत किया जाएगा और उनकी सहमति के बाद इसे कैबिनेट से पास किया जाएगा। आसार है कि अगले 1 से 2 महीने में अस्तित्व में ये आ जाएगा और लंबी शिक्षक भर्तियां शुरू हो जाएंगी। इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाएगा। अभी अलग अलग है बोर्ड, अरे ठीक है वैकेंसी देखिए हमारी आनी चाहिए, बाकी कैसे भी है। स्कूटनी का रिजल्ट दोस्तों देखिए अब आपको बता दें, उम्मीद है कि पेपर के बाद रिजल्ट आ जाएगा। देखिए हम लोग कोशिश तो ये करना चाहते हैं कि पेपर के पहले आ जाए, बाद में आने का क्या मतलब रह जाता है भाई, ठीक है, जब आप लोग बैक पेपर देके ही पास हो जाते हैं, मान लेते हैं स्कूटनी में आपकी किस्मत चमक रही है, लेकिन उसका मतलब तब रह जाता है ना जब पेपर से पहले रिजल्ट है। बाकी रिजल्ट के लिए वेबसाइट आपको पता, सिर्फ डीएलएड रिजल्ट डॉट कॉम। स्कूटनी का रिजल्ट इसलिए जरूरी हो जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 3 विषय या 4-4 विषय में बैक लग जाती है, अब 2 विषय में बच्चों ने या 1 विषय में डाला स्कूटनी, अगर पास हो गए तभी तो उनको अगले सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ेगा, देने का मौका मिलेगा ना, तो ये सब बातें हैं। दोस्तों तैयार रहिए पेपर के लिए, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी की तरफ से जो भी अपडेट आती है सारी अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। यूपी डेट के लिए तैयार रहिए, जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।